आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान में एक बार फिर एक साथ दो धमाकों की खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज एक साथ दो बड़े धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान में धमाका ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के समय हुआ और खैबर में मस्जिद में जुम्मे की नमाज के समय धमाका हुआ। दोनों धमाकों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जुलूस के समय ये ब्लास्ट होता है, एक दिन में दो धमाकों से पाकिस्तान दहल जाता है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। किस तरीके से पाकिस्तान धमाकों से दहला है इन दो तस्वीरों के जरिए साफ होता है। और धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, बड़ी संख्या में लोग जुलूस में इकट्ठा हुए थे और उसी दरमियान ये ब्लास्ट हुआ। और पाकिस्तान में कुछ ही घंटों के भीतर एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं। बलूचिस्तान में दूसरा धमाका मस्जिद में हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है, 70 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मरने वालों में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी भी बताया जा रहा है। ये धमाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ है और बताया यह भी जा रहा है कि धमाके से पहले लोग ईद मिलाद उन नबी के मौके पर जुलूस में हिस्सा लेने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। इस धमाके में मरने वालों और घायलों की तादाद और आगे बढ़ सकती है। हालांकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में जब इतना बड़ा धमाका हुआ है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में मस्जिदों में और वहां नमाज पढ़ने वाले लोगों को निशाना बनाकर इसी तरह से बम धमाके किए जा चुके हैं। और पाकिस्तान में धमाका या फिर आत्मघाती हमला ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि 2 नवंबर 2014 को वाघा सीमा के पास विस्फोट में 60 लोग मारे गए थे। 18 सितंबर 2015 को पेशावर में हुए ब्लास्ट में 42 लोग मारे गए थे। 23 अक्टूबर 2016 को क्वेटा में पुलिस एकेडमी पर हमले में 61 लोग मारे गए थे। और वही 13 फरवरी 2017 को लाहौर में विधानसभा के बाहर विस्फोट हुआ था और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। 3 फरवरी 2018 को एक आत्मघाती हमले में 11 सैनिक मारे गए। इसके बाद 25 जनवरी 2022 को बलूचिस्तान के केच जिले में धमाका हुआ और उसमें 10 सुरक्षा कर्मी मारे गए। पाकिस्तान में आज दो बड़े धमाके हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है और आशंका ये कि इस मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन जुमे की नमाज के वक्त एक बड़ा धमाका और ऐसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई घायल हुए।